बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ देगी पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ मगर बहुत ही झटपट से ये देगी पालक गोश्त बनकर तैयार हो जाता है, मगर टेस्ट में ये इतना टेस्टी बनेगा कि ये किसी भी कढ़ाई को मात दे देगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की देगी पालक गोश्त की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देगी पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें मैंने 1 kg के करीब पालक ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और फिर इसको पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है और इसको पैन में डाल देना है। और फिर इसमें हमने 8 से 10 अदद मीडियम साइज की हरी मिर्ची ऐड करनी है और साथ ही इसमें हमने 1 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। इससे ज्यादा पानी शामिल करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी पानी में ही पालक बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। चम्मच की मदद से पालक और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और पालक पूरी तरह से बॉईल हो चुकी है। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ एक बार इसको मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसको हमने रिमूव नहीं करना, बल्कि इसको पालक के साथ ही हमने ब्लेंडर में डाल देना है। इस स्टेप पर हमने एक जूसर वाला जग लेना है और पानी समेत ही पालक को इस तरीके के साथ जग में डाल देना है। मेरे जिन व्यूअर्स ने पालक को इस तरीके के साथ कभी नहीं बनाया, एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। मेरे इस तरीके के मुताबिक जब आप पालक गोश्त की इस रेसिपी को खुद से बनाओगे और टेस्ट करोगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि आपने ये खुद घर पर तैयार की है। तमाम पालक और पानी को जग में डालने के बाद ढक्कन की मदद से इसको कवर कर लेना है और इसको बारीक पीस लेना है। पालक को पीसने के बाद पालक कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुकी है। पालक को पीसने के बाद हमने एक पैन लेना है और इसमें 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करनी है। चम्मच की मदद से प्याज को हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करना है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुकी है। प्याज को जस्ट हमने इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याजों के साथ फ्राई करना है। और साथ इसमें हमने एक बड़े साइज का रेड कलर का टमाटर डाल देना है। अब इसमें हम कुछ पीसे मसाले शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है, 1.5 चम्मच पिसी हुई रेड मिर्च, 1/4 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून पिसा धनिया शामिल करना है। इससे ज़्यादा मसाले डालने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इन मसालों से ही पालक गोश्त बहुत ही अच्छा बनेगा। चम्मच की मदद से तमाम मसालों को एक बार मिक्स कर लेना है। ज़रूरत के मुताबिक इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट तक चम्मच को हिलाते हुए मसाले को भून लेना है ताकि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं। याद रखें कि आपका मसाला जितना अच्छा बनेगा आपकी पालक गोश्त की रेसिपी भी इतनी ही अच्छी बनेगी। 8 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हमने 1/2 kg चिकन ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से चिकन को हिलाते हुए 12 से 14 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चिकन को मसाले में फ्राई करना है। आप जितने अच्छे तरीके के साथ चिकन को मसाले में भुनेंगे आपके चिकन में इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। 14 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन को मैंने मसाले में बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब चिकन में हमने 1/2 कप पानी शामिल करना है और चम्मच की मदद से चिकन को एक बार मिक्स कर लेना है। अब ढक्कन की मदद से चिकन को कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो इसमें हमने बॉईल की हुई पालक को इस तरीके के साथ शामिल कर देना है। अब हम जग में थोड़ा सा पानी डालते हैं और इस पानी को भी इस तरीके के साथ पालक में शामिल कर देना है ताकि कोई भी पालक वेस्ट ना हो। चम्मच की मदद से चिकन और पालक को अच्छे तरीके के साथ एक बार मिक्स करना है।
पालक को अच्छे तरीके के साथ मिक्स करने के बाद ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको मजीद पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पालक का पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। इस स्टेप पर अब इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल करना है। चम्मच की मदद से गर्म मसाले को पालक और गोश्त में मिक्स कर लेना है। गर्म मसाले को पालक और गोश्त में मिक्स करने के बाद ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और स्लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और जबरदस्त सा देगी पालक गोश्त का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पालक के ऊपर इस तरीके से ऑयल आ चुका है। इसका मतलब है कि पालक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम पालक गोश्त को एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी पालक और गोश्त की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसको जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी आज की पालक गोश्त की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।